भाई देखो अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा अगर बहस करोगे तो। हाँ ये तो विथड्रॉ या डिसमिस, वो एक केस में करिए, वो हमने गलत किया, बहस के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, ये तो विथड्रॉ करो या डिसमिस करेंगे ऑन मेरिट्स। हाँ ये दरख्वास्त कौन सी है? थर्ड है लॉर्ड सर। सेकेंड दरख्वास्त कब खारिज हुआ? घटना कब की है? घटना है 27/8/2010 की। कस्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड हो गया लॉर्ड सर 13 साल 4 माह। 13 साल 4 महीने। ऑफेंस? ऑफेंस लॉर्ड सर 364A पब्लिक 34/11/13। कस्टडी ग्राउंड नहीं सर। हाँ अरे लास्ट टाइम में आपने ये आर्गुमेंट किया था कि 13 साल हो गए, एक्चुअल में इनको 364 में पहले एलआई हुआ था, उसकी अपील आई, अपील में इनका सेंटेंस रिड्यूस करके 365 में कर दिया 7 साल और 11/13 में कर दिया 10 साल। तो 427 के तहत 427 बन में पहले 10 साल काउंट होंगे, फिर उसके बाद सेकेंड एलआई की जो इसमें प्रेजेंट में है उसमें काउंट होगी, और जो स्टेटस आया है उसमें 11/4/24 की डेट में आपको इस केस में 8 साल 7 महीने 4 दिन हुए, आप उससे काउंट करके 13 साल कर रहे हैं, जबकि वो नहीं होगा। हाईकोर्ट के ऑर्डर से जब क्रिमिनल अपील अलाउ हुई तो उसमें 11/15 डकैती एक्ट में 10 साल मिनिमम सेंटेंस है, इसलिए 10 साल मिनिमम वहाँ हुआ। 364A में वो कन्विक्शन था, वो 365 में 7 साल हुआ, आप 365 में 7 साल उसको गिनते हैं जबकि 311/13 में 10 साल उसको नहीं गिनते। 427 सब्सिक्वेंट होगा। यस मेरिट पे आपने कहा था बढ़ाएंगे, अब मत बढ़ा। हाँ मेरिट पे सुनना चाहता हूँ। हाँ इनका जो जवाब है 427 तो पढ़ने, लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाना चाहिए थी 427 तो, अब फिर से पढ़ना 427 लाओ भाई पढ़ाओ। आप सब प्लीज निवेदन मेरा जो है पढ़ाना मुझे, आज मैं चाहता हूँ पढ़ाना। और सर इसमें लास्ट टाइम भी आर्गुमेंट हुआ था मेरा ये कहना सरकार आप आगे नहीं पीछे। एक मिनट मैं तैयार हूँ, मैं इसको इसलिए बताऊंगा लॉर्डशिप कि इन्होंने एक MCRC इसी बात के लिए लगाई है कि मेरे को इसमें दोनों सेंटेंस इकट्ठे पड़ जाए। उस MCRC में रिप्लाई भी फाइल हो चुका है और वो हियरिंग के लिए भी, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि उसको दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो श्रीमान ने कास्ट करते हैं दोनों साथ लगा दे सर, मैंने क्या कहा था आपकी बात खाली चली जाएगी। नहीं नहीं अब ऐसे नहीं करो ना, नहीं नहीं इस वजह से क्योंकि बहस शुरू नहीं हुई है। अब आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं मेरे जूनियर से, आपने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कहां को बढ़ा रहे हो? ये सरकार के कहने से कोर्ट चलेगी क्या? नहीं मैंने साहब निवेदन है हाथ जोड़ के, आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। आप मेरी बात तो सुनो, इन्होंने ये कहा, आपने भी बहस शुरू नहीं हुई, ये बहस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने इनको कहा कि साहब एक MCRC फाइल कर रखी है इन्होंने जिसपे ये इशू डिसाइड होना है कि दोनों साथ में देना। MCRC में वहाँ सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी या DV नहीं कर पाएगी उस पॉइंट को डिसाइड, मैं बहस करने तैयार हूँ ना। नहीं वहाँ पे इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके, वहाँ सिंगल बेंच में 13 साल 4 महीने कट गए, ये फाइल द रिप्लाई है, वो अभी पेंडिंग है। लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था, लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था यही कहते हुए, फिर मैंने कहा था MCRC पेंडिंग है तो MCRC के संग में इसको लगा। MCRC में हुआ क्या अभी पेंडिंग है, वो क्या है, क्यों लगाई? उसमें आपने ये कहा है कि हमें 2 LI हुए थे, 2 LI को इकट्ठे संग में चलाया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 427(2) उनको बहस कर लेते हैं। हाँ सर वो हमें कोई इशू नहीं है। 427(2) अपन फिर से पढ़ते हैं। 427(2) कहती है व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडर, देखो अब एक काम करो तुम, अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं साहब करती, और संतुलित बहस करना अगर तो हम अगर तुम्हारी हमने तुम्हारी स्टाइल में और हमने मेरी बात सुन लो, तो अब तो मेरी बात सुन लो, अगर तुमने हमारे अब बहस के दौरान तुमने कुछ बकवास करी जब आवाज तेज करी तो डांट खा जाओगे तुम। मैं तो डांट खा रही है। हाँ तो आप डांट खाओ, अगर आप इस मूड से आए हो कि तुमको आज उठपटांग बात करनी है तो फिर तुम सुनो उठपटांग बात हमसे, फिर तुम आज फिर तुम देखो
साहब गलत बात ना मैं करना चाहता, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, नहीं करता सर, आप करिए और संतुलित बहस करिए, आप संतुलित, डोंट गेट एक्साइटेड, तमीज से और लो प्रोफाइल बहस करिए, जो आपको कहना है, जो फैसला होगा फैसला देंगे हम लोग, लेकिन ना आवाज उठाने की जरूरत है ना पताव दिखाने की जरूरत है, समझ में आया? हाँ, अब बहस करो कायदे से, 427 दो, हाँ अब पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको पूरा, मुझे सब गुस्सा आता ही नहीं, पहले पढ़िए पूरा आप, अपन 427 पूरा पढ़ते हैं, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस, हां व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इज सेंटेंस ऑन अ सबसीक्वेंट कन्विक्शन टू इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सच इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इंप्रिजनमेंट टू व्हिच ही हैड द प्रीवियस सेंटेंस, ठीक है, दिस इज द लॉ. Now, what is your first sentence? First sentence. बहुत बता कौन सा sentence है? चार sentence पढ़े ना? It is. First sentence क्या है? तीन किस्मों में. इसमें सब एक 72/10 था crime number. First sentence हाँ. इसमें क्या sentence क्या हुआ? तीनों किस्मों में 364A में मुझे conviction हुआ है. First sentence में आपको क्या award हुआ है? 364A के लिए guilty पाई और मुझे आजीवन कारावास सजा दी. देख आजीवन कारावास. आजीवन. सब में आजीवन नहीं मेरी. हाँ, 364A ही है. और ये जो ऑफेंस है ये वाला, ये भी 364A ही है, आजीवन कारावास में दो. और उसमें से हुआ क्या कि एक केस में 201/12 जो थी वो अलवली साहब वाली डीबी में आई, उन्होंने मेरिट पे सुन ली, मेरिट पे नहीं, सुन नहीं, आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो जो आपका पहला सेंटेंस है उसमें केस अपील नंबर क्या है? अच्छा, अपील नंबर 201/12 बोल के देखता जाए, मोबाइल साहब मेरे हाथ में नहीं, 201/12 क्या नंबर है? CRA 201/12 वो कब डिसाइड हुई? वो ही 2022 में. ऑर्डर डेट बताओ. निकल सर, 201/12 और उसमें कन्विक्शन क्या हुआ? उसमें क्या सेंटेंस हुआ है? उसमें कोर्ट ने 365 में कर्म आफम कर दी. 365 में हुआ है वो भी लॉर्डशिप. कितना सेंटेंस दिया है? दिखाओ ऑर्डर, दिखाओ ऑलरेडी अंडर, शो मी दी ऑर्डर. ऑर्डर है कि नहीं? मैं निकाल दूँ, 201/12 201/12 सर, ऑर्डर दिखाइए. अब पड़ेगा नहीं मुकदमा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर. दिखाइए ऑर्डर जल्दी, ऑर्डर जल्दी प्रिंट निकाल लेते. दिखाइए ऑर्डर पहले. ये तो है, ये रख लाभ तो दिखाओ. अब 365 में भी इसलिए की थी कि मेरिट्स पे बहस चल रही थी, मैंने न्यायालय का समय बचाते हुए कहा क्योंकि हम जेल में और मेरिट्स पे नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने 365 में इसको अफर्म कर दिया. 365 में अफर्म करने के बाद मेरी सजा कितनी होगी? अब अल्टीमेटली मैं जिस रात में गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करने के बाद मान लीजिए सजा पूरी कर दी आपने 2010 में पूरी कर दी, तो जो बीच का मेरा पीरियड है वो इन्हें काउंट करना पड़ेगा 427 दो के तहत. अगर वो मेरा पीरियड जुड़ जाएगा, मेरी इतनी देर से तैयार है, तो मेरी जो प्रेयर है मुझे है कि यदि एक केस में आजीवन हुई है, दूसरी आजीवन होती है तो जिस दिन कस्टडी, अगर जो आजीवन का पीरियड आप पर जो चला जी वो कन्वर्ट हो गया
लेसर सेंटेंस में अपील में तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो हो गया, मर्ज हो गया। मर्ज हो जाएगा। जब मर्ज हो गया तो जिस वक्त तक आपने उस पीरियड ऑफ सेंटेंस अपना कंप्लीट किया, जब भी फैसला हुआ, वो फैसले में उन्होंने लाइफ का कन्वर्ट कर दिया जी। तो जितना अंडरगॉन तो छोड़ दिया, प्रोवाइडेड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो। आप ये क्या कर रहे हैं कि मेरा जो बचा हुआ पीरियड है, जो मेरा जेल में कटा, उसको नहीं जोड़ रहे। अगर उसको जोड़ लेंगे तो 11 साल 13 साल के आसपास हो रहे हैं, ये मेरा कहना। अब आपको मेरिट्स पे क्या कहना है? मेरिट्स ये जरूरत का जी, 13 साल 4 महीने का स्टडी है। क्रिमिनल अपील नंबर 6350/17, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन अंडर 39 सीआरपीसी सीकिंग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अपीलेंट स्टैंड्स कन्विक्टेड फॉर ऑफेंसेस सो-एंड-सो एंड सेंटेंस फॉर सो-एंड-सो। जरा ध्यान से लिखना रेवर्ट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। द लैंड काउंसिल फॉर द अपीलेंट इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग द एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स हैज रेस्टेड हिज आर्ग्यूमेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ subsection 2 of section 427 the same session court Pramab Vasai, we are not inclined to accede to the prayer for suspension on merits at this stage. Stop. However, now in this stage consequently applicant dismissed on merits as well. Next नेक्स्ट केस फाइनल में लगा था साहब, इसकी सजा ही पूरी हो जाएगी तो 14 साल में 13 साल 4 महीने हो गए। एक डिसीजन है छोटा। आइटम 65 नेक्स्ट वीक में फाइनल में लगा था साहब। आइटम 65 अपील साहब आज ही खारिज करते हैं, आज ही खारिज करते हैं। मेरी अपील आज खारिज करते हैं या सर लगा दें साहब। यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट। मेरी बात तो सुन ले साहब, मेरा निवेदन है, मेरी क्या आप यू मूव एप्लीकेशन। मेरा निवेदन सुन ले साहब, आप दरखास्त लगाइए, आप दरखास्त लगाइए, आज ही लगाइए सर दरखास्त। दरखास्त लगाइए आप, अगले हफ्ते फाइनल में लगा देना सर। दरखास्त लगाइए पहले, वो दरखास्त से फिर वो दरखास्त से लगेगी। नेक्स्ट केस पूरी हो जाएगी मेरी, हो गया। चलिए नेक्स्ट केस 65 नन फॉर द अपीलेंट एडजर्न। नंबर 66